नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके ही अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग मार्केट में। दोस्तों आज आपके लिए 1000 रुपये के पोर्टफोलियो वाला पेनी स्टॉक आपके लिए लाए हैं, जो कि फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। 1000 रुपये के पोर्टफोलियो वाला पेनी स्टॉक लाए हैं, जिसका पहला तो फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरा नंबर वो डेट फ्री होनी चाहिए जिसपे कोई कर्ज ना हो, तीसरा नंबर 1 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न होनी चाहिए। तो छोटा सा पेनी स्टॉक लाएंगे जो कि मात्र 5 रुपये के अंदर आने वाली है। तो चलिए, जो पहला जो पेनी स्टॉक है आप देखें तो मात्र 21 पैसा का पेनी स्टॉक है, जिसका करेंट प्राइस की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं मात्र 21 पैसा है। वहीं रिटर्न्स की बात करूं तो पास्ट ईयर में रिटर्न्स 10% में लगभग 11% का रिटर्न्स दे चुकी है। वहीं आप देखें तो मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो एक समय ये पेनी स्टॉक 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो कि आज कंपनी में मात्र 21 पैसा देखने को मिल रहा है। तो आप इस कंपनी का शेयर वाई कंसिडर कर सकते हैं। वहीं 6 मंथ के दौरान देखें तो डाउनफॉल देखने को मिला है, 1 मंथ के दौरान डाउनफॉल देखने को मिला है और 5 डेज के दौरान डाउनफॉल देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी के शेयर वाई कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप मात्र 21 पैसा का पेनी स्टॉक है। अगर 1000 रुपये भी लगा दोगे दोस्तों तो ये कल का अगर 1000 रुपया भी पहुंच गया फ्यूचर में, जो कि काफ़ी प्रॉफिट देगा, करोड़पति बना देगा दोस्तों। तो आप इस कंपनी का नाम बता दूँ तो खूबसूरत लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, जो BSE पे लिस्टेड है दोस्तों। ये पेनी स्टॉक अगर चल गया तो रुकेगा नहीं। तो दोस्तों अगला जो पेनी स्टॉक है 1.60 रुपया का है, जिसका रिटर्न्स पास्ट ईयर में देखें 1 साल के दौरान 190% की तेजी देखी गई है। वहीं 6 मंथ के दौरान देखें तो 52% की तेजी देखी गई है। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो आप यहां देख सकते हो एक समय 100 रुपया टच कर चुकी है ये पेनी स्टॉक 2008 में। आप देख सकते हो 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, जिसमें कंपनी में काफ़ी लॉस हुआ और बर्बाद होती हुई चली गई, जो कि आज देखें तो मात्र 1.60 रुपया पर ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो वहीं रिटर्न्स की बात करूँ तो 1 ईयर्स में आप 190% देखने को मिला है। वहीं 6 मंथ में देखें तो 52% का तेजी देखी गई है। वहीं 1 मंथ के दौरान देखें तो 11% की तेजी देखी गई है। वहीं 5 डेज के दौरान देखें तो 3% की तेजी देखी गई है। वहीं 1 डेज के दौरान देखें तो डाउनफॉल देखने को मिला है दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है, जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस कंपनी का नाम बता दूं तो इस कंपनी का नाम क्या है, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप देख सकते हो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो BSE पे लिस्टेड है दोस्तों और NSE पर भी लिस्टेड है दोस्तों। इसमें 1000 रुपये 2000 भी लगा दोगे तो काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है ये शेयर स्टॉक। तो अगला जो पेनी स्टॉक है उसको भी देख लेते हैं। अगला जो पेनी स्टॉक है जिसका करेंट प्राइस की बात करूँ तो आप यहाँ देखें 3 रुपया करेंट प्राइस देखने को मिला है। वहीं आप देखें 1 ईयर्स के दौरान देखें तो 38% की तेजी देखी गई है दोस्तों। वहीं 6 मंथ में 62% की तेजी देखी गई है। वहीं 1 मंथ के दौरान देखें तो लगभग 24% की तेजी देखी गई है। वहीं 5 डेज के दौरान देखें तो लगभग 4% की तेजी देखी गई है और 1 डेज के दौरान देखें तो 33% की तेजी देखी गई है। तो दोस्तों वही मैक्सिमम चार्ट की बात करूं तो आप यहां देखें एक समय 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी ये पेनी स्टॉक, 130 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, जिस समय इसका काफ़ी अच्छा फंडामेंटल हुआ करता था दोस्तों। जब धीरे धीरे इसमें डेट पड़ती गई, मतलब कर्ज होती गई इस कंपनी पर, तो कंपनी धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई, जिसका आप देखें तो करेंट प्राइस आप देख सकते हो 3 रुपया देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम बता दूँ तो आप यहाँ देखें इस कंपनी का नाम है GK कंसल्टेंट लिमिटेड। आप इस सर्च कर सकते हैं, वो BSE पे ये लिस्टेड है दोस्तों। इसमें सिर्फ 1000 2000 लगाकर छोड़ दो, कल का ये मल्टी बगर पेनी स्टॉक साबित करने वाली कंपनी है दोस्तों। सिर्फ 2000 3000 लगाकर छोड़ दो, कल का फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देने वाली कंपनी है। अगला जो ये पेनी स्टॉक है 3.25 रुपये का पेनी स्टॉक है, आप देख सकते हैं। वहीं पास्ट ईयर के दौरान देखें तो 27% लगभग 28% की तेजी देखी गई है। वहीं 5 ईयर्स के दौरान देखें तो आप 22% की तेजी देखी गई है। तो आप इस कंपनी का सिर्फ वाई कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों। तो वही मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो ऑल टाइम से रिटर्न्स की बात करूँ तो 22% की तेजी देखी गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों। एक काफ़ी अच्छा इसका सेक्टर है और ये हर सेक्टर में ये काम करती है दोस्तों। तो वहीं छोटा सा पेनी स्टॉक है तो आप इसका 1 मंथ के दौरान देखें तो डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं 5 डेज के दौरान डाउनफॉल देखने को मिला है, 1 डेज के दौरान लगभग 3.5% की तेजी देखी गई है और मैक्सिमम की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 4 रुपये का पेनी स्टॉक डाउनफॉल होकर मात्र 3.25 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी का नाम बता दूं तो आप यहां देख सकते हैं विकास लाइफ केयर, NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, फिनांस सेक्टर में ये काम करती है दोस्तों। तो अगला जो पेनी स्टॉक है 3.90 रुपये का ये पेनी स्टॉक, जिसका रिटर्न की बात करूँ 680% का रिटर्न देखने को मिला है दोस्तों।
वहीं आप यहाँ देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। वहीं ऑल टाइम से देखें तो इसका एक समय 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो कि आज देखें तो मात्र 3 रुपया 90 पैसा पर ट्रेड कर रही है दोस्तों। वहीं आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। वहीं 5 ईयर्स के दौरान देखें तो डाउनफॉल देखने को मिला है, बट 1 ईयर्स के दौरान देखें तो 680% का तेजी देखी गई थी। वहीं 6 मंथ में देखें तो 271% की तेजी देखी गई है। वहीं वन मंथ में 56% की तेजी देखी गई है। वहीं 5 डेज में 18% की तेजी देखी गई है। वहीं 1 डेज में देखें तो लगभग 4% की तेजी देखी गई है दोस्तों। तो आप इस कंपनी का वाई कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और 1000-2000 लगा दो इस कंपनी में और छोड़ दो लॉन्ग टर्म में। ये कल का फ्यूचर मल्टीवगरे स्टॉक साबित करने वाली एक कंपनी है दोस्तों। इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है दोस्तों, हर तरह से एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगला जो पेनी स्टॉक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं 5.25 रुपया का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं 5 ईयर्स के दौरान लगभग 95% की तेजी देखी गई है, अपर सर्किट लगा चुकी है। वहीं 1 मंथ के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं 10% का तेजी देखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। वहीं आप देखिए 1 ईयर्स के दौरान देखें तो लगभग 425% की तेजी देखी गई है। इस स्टॉक को वाई कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है लगभग 1 साल में, जिसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है। वहीं मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो ये एक समय 50-80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा उस समय फंडामेंटल हुआ करता था, जो कि काफ़ी इसमें डेट हो गई थी, मतलब कर्ज हो गई थी। तो आज ये देखो एक समय अब आकर 5.25 रुपये पर ट्रेड कर रही है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा इन दिनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आप इस कंपनी का शेयर वाई कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लगभग 1000-2000 लगाकर छोड़ सकते हो दोस्तों इसमें। तो चलिए इस कंपनी का नाम बता दूँ, तो इस कंपनी का नाम है ईस्टर्न सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो NSE पे लिस्टेड है दोस्तों, जिसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो नए उमंग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों।